धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरविंद। जैसा आप सबने कहा कि सर जी वीडियो कब आप नवीं दसवीं ग्रहवीं और बारहवीं की डाल रहे हैं। नवीं दसवीं ग्रहवीं बारहवीं की यानी कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम जस्ट नए सत्र से स्टार्ट कर देंगे। अभी तक तो मात्र मॉडल पेपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अब जल्द ही सन 2023 से यानी कि जनवरी से आपका हर एक पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के विषय में हर एक चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। लेकिन तमाम इस समय में परीक्षा के दृष्टि से देखते हुए यूपी बोर्ड के लिए दसवीं के लिए खासतौर पर दसवीं और बारहवीं के लिए जो कि हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन किसे हाइड्रोकार्बन यानी कि तमाम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं HYDRO हाइड्रोकार्बन यानी कि व्हाट इज द का भाई हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या है हाइड्रोकार्बन क्या है। तमाम लोग परिभाषा याद करने में झंझट महसूस करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक चीज़ की परिभाषा तो सूत्रों के ऊपर डिपेंड है, उनके नामों के आधार पर डिपेंड है, नामों के आधार पर डिपेंड है। जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन, अरे भाई हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन तथा हाइड्रो माने भाई हाइड्रो शब्द कहाँ से लिया गया है, हाइड्रोजन से, कार्बन का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। परिभाषा देखा, हाइड्रो से हाइड्रोजन हुआ, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक भाई, हाइड्रोजन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, जब वो मिलकर एक जो यौगिक बनाते हैं उसी यौगिक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अरे भाई हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके तमाम उदाहरण है, जैसे CH4 है, CH4 C2H6 है, C2H4 है, C2H2 है, आदि है। तमाम उदाहरण, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी कि दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम अंग्रेजी में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंग्रेजी में बोलते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखिए परिभाषा क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। देखिए पहले हाइड्रोकार्बन यही है जो यहाँ हमने बताया है कि नहीं भाई, जो हमने हाइड्रोकार्बन वही है, केवल संतृप्त शब्द जुटा हुआ है, संतृप्त। अब इनकी परिभाषा बन गया है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के भाई बीच एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि वे देखे वे हाइड्रोकार्बन यानी कि रहेगा तो है भाई हाइड्रोकार्बन ही रहेगा, हाइड्रोकार्बन ही, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त हमने बताया वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है।
अब इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। इसमें एन के जगह अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखेंगे तमाम उदाहरण तैयार होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। एन के जगह 1 रखेंगे, एन बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे रखेंगे तमाम उदाहरण। 1 रखेंगे तो CH4 मिलेगा, 2 रखेंगे तो C2H6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो C3H8 मिलेगा। देखिए एन के जगह 1 रखा तब CH4 मिला, एन के जगह 2 रखा है, देखा यहाँ 2 है CN, एन की जगह 2 है, 2 रखा एन के जगह 2 रखा तब यहाँ C2 हुआ, और 2 × 2 = 4, 2 = 6 हुआ, यह मिला। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनके तमाम उदाहरण हमने दिखाया आपको, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखते चलिए, उदाहरण आपका तैयार होता चला जाएगा। अब देखिए और संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन अभिक्रियाएं देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन अभिक्रियाएं देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, और ये कम क्रियाशील होते हैं, आलसी टाइप के होते हैं। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की चार बातों, भाई तमाम बातें हैं, धीरे धीरे हमें बताएंगे आपको। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, भाई वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है। इनका उदाहरण क्या है, एन की जगह ऐसे रखते चलिए, आपका तमाम उदाहरण मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्जेन, ऐसे नामकरण IPC नामकरण हम बताएंगे आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं। अब देखिए, अब हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जैसे हमने चर्चा किया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अरे भाई एकदम इसी से रिलेटेड, इसमें एकल बंध पाया गया था, इसमें 2 बंध और 3 बंध दोनों पाया जा रहा है। अब देखा इनका परिभाषा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध या 3 बंध पाया जाता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे हाइड्रोकार्बन, परिभाषा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तमाम लोग याद करने में पसीना बहा देते हैं, पसीना मत बहाइए। देखिए इधर हाइड्रो, भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन रहेगा तो हाइड्रोकार्बन ही, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। अब वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 बंध और 3 बंध पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है जिनमें 2 बंध भाई या 3 बंध पा, यानी कि 2 बंध पावा जाता है, इसमें 3 बंध पावा जाता है, ओके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और जो इनमें 1 बंध पावा जाता रहा, ओके हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता रहा। अब इनका सामान्य सूत्र होता है, देखिए इनका समान द्विबंध के लिए समान सूत्र होता है CnCnH2n होता है। द्विबंध के लिए समान सूत्र होता है CnH2n होता है, और त्रिबंध के लिए समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। द्विबंध के लिए समान सूत्र होता है CnH2n, और त्रिबंध के लिए CnH2n-2। अब n के जगह
तमाम उदाहरण जैसे एम की जगह तीन रखा, अरे बना सी थ्री एच सिक्स उदाहरण हुआ। ऐसे तमाम उदाहरण आप सेट कर सकते हैं, ऐसे इसमें रखेंगे तो त्रिबंद बनेगा। आज किसी नाम में हम सब इनका प्रसार करके इनका विस्तार करके बताएंगे। त्रिबंध का उदाहरण बताना है, एन के जगह आप रखिए, जैसे पहला इनका यौगिक होता है सी टू एच टू होता है, एन के जगह देखा एन की दो रखा, दो दूना चार में से एन के जगह तीन रखेंगे सी थ्री, तीन दूनी छः एच फोर आया। ऐसे तमाम उदाहरण आप सेट कर सकते हैं और ये योगात्मक अब क्रियाएं देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन अब क्रियाएं देते हैं? योगात्मक। और संतृप्त वाला कौन अब क्रिया दे रहा था? प्रतिस्थापन। और एक कम संतृप्त वाला तो कम क्रियाशील होता था, आलसी था, लेकिन असंतृप्त वाला अरे भाई वह अधिक क्रियाशील है, यह अधिक क्रियाशील है, योगात्मक अब क्रिया देता है। और तमाम भाई इसका अंतर संतृप्त और असंतृप्त का अंतर, तमाम आईपीसी नाम वगैरह हम आपको अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। एक बार हम फिर आपके सामने एक हाईलाइट में जल्दी से बता दे रहे हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं भाई? हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब यह हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। भाई जिनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन, देखा परिभाषा है इसे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इन और असंतृप्त जी भाई वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तमाम उदाहरण तमाम हमने कहा कि प्रतिस्थापन संतृप्त वाला प्रतिस्थापन क्रिया होता है और असंतृप्त वाला योगात्मक क्रिया। संतृप्त वाला कम क्रियाशील होता है, असंतृप्त वाला अधिक क्रियाशील होता है। यानी कि और इनका अंतर हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। इस अगर वीडियो मेरे दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।